आगरा में एक शौहर ने अपनी ही बेगम को इस बात के लिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसकी बेगम नशीला मंजन करती थी और उसे इसकी आदत लग चुकी थी। बेगम की इस करतूत से परेशान होकर कई बार शौहर ने अपनी बेगम को समझाया लेकिन वह नहीं मानी और आखिरकार एक मंजन की वजह से तलाक हो गया। अब मामला पुलिस परामर्श केंद्र पहुंचा है जहां पर दोनों की काउंसलिंग की जा रही है लेकिन अभी भी कोई भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। दरअसल 8 महीने पहले मलपुरा की रहने वाली एक महिला की शादी मंटूला के रहने वाले एक युवक से हुई थी। महज 2 महीने ही शौहर और बेगम एक दूसरे के साथ रह पाए थे। शौहर को अपनी बेगम की एक आदत बेहद बुरी लगती थी कि उसकी नई नवेली बेगम सुबह और शाम नशीले पाउडर वाला मंजन करती थी। उस मंजन की उसे आदत लग चुकी थी जो कि शौहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बेगम को कई बार मना किया लेकिन वह मंजन करना छोड़ नहीं रही थी। 2 महीने बाद ही शौहर ने बेगम को तलाक दे दिया। अब बेगम अपने मायके रह रही है। आगरा से हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट। और एक काउंसलिंग में सर एक ऐसा केस आया कि हम पति पत्नी मंजन करती है एक नशे का, उससे वो हाँ एक प्रकार का एक मंजन आता है, पेस्ट होता है जिसे हम लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हैं, इस तरह का एक मंजन भी आता है जिसमें लोगों का कहना ये है कि उसे करने में कुछ नशीला पदार्थ होता है, कुछ नशा सा आता है और कुछ जो लोग करने लगते हैं उनको बहुत मजा आता है तो वो लोग उसको, हम लोग जनरली सुबह एक बार और शाम को सोते समय 2 बार मंजन करते हैं और जिन लोगों उनके शौक लग जाता है वो उसको 3-3, 4-4 बार मंजन करते हैं। इससे एक परिवार बिखरने की नौबत आ गई है और पति इतना परेशान है कि वो उससे बोल रहा है कि आप इस तरह का मंजन छोड़ दीजिए पर पत्नी छोड़ने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। शादी को समय बहुत कम हुआ है, केवल 8 ही महीने हुए हैं और जब पति ने ज्यादा उसको मना किया या ज्यादा उस पर फोर्स किया कि आप इस मंजन को छोड़ दीजिए तो वो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए भी तैयार है। इसलिए पत्नी भी मायके में रह रही है और पति है वो, चूंकि उसने परिवार परामर्श केंद्र में हमारे यहाँ पति ने केस डाला है। जनरली होता क्या है कि पत्नियां केस डालती हैं, वो डाल रहा है कि साहब इसकी मंजन छोड़ने की आदत को कम करा दीजिएगा तो हमारा परिवार अच्छे से चलेगा और बस जाएगा। हमने अगली तारीख दी है, देखते क्या हो सकता है। 3 तलाक की कहकर उसने मतलब घर छोड़ दिया क्या? हाँ, 3 तलाक की बात को कहकर उसने घर को छोड़ दिया और पत्नी भी पिछले 2-3 महीने से मायके में है। अब देखिए हम उसका घर बसा पाते हैं।